हाय फ्रेंड्स वेलकम है हमारे जी एफ्स इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर यह हमारा शॉर्ट नंबर 101 है वन हंड्रेड एंड वन है और आज का टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन होंगे सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए ये आल स्टेट के जितने भी एन के एग्ज़ाम्स होते हैं आल स्टेट के सी एच ओ एन एम जे एम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए यू पी पी सी एस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम पी एच डब्ल्यू बिहार एन एम बिहार सी एच ओ एम्स नर्सिंग पीटीआई नर्सिंग सीआरपीएफ नर्सिंग बीएसएफ नर्सिंग आरबी नर्सिंग ई नर्सिंग सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे आर स्टेट के एम पी एच डब्लू बी एफ एच एस एंड अल्सो के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया है सुरैसिस एक सूजन संबंधी विकार है सुरैसिस इज आ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ आप, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कहाँ का है ठीक है कहाँ का ये इन्फ्लेमेशन होता है जिसे सुरैसिस कहा जाता है स्पेलिंग देख लें किस तरह लिखी जाती है और हिंदी में थोड़ा ध्यान दें क्या होगा राइट आंसर इसका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बीस का राइट आंसर होगा स्किन या त्वचा ठीक है ये सुरैसिस कहाँ का इन्फ्लामेट्री होता है कहाँ का इन इन्फ्लामेशन होता है ये स्किन का इन्फ्लामेशन होता है या सूजन होता है ठीक है जैसे कि आप देखते होंगे इसके भी जिस तरह हो जाता है ठीक है दांत खाद जिस तरह हो जाता है इसमें क्या होता है रेडनेस टाइप में आ जाता है इसकी जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करने लगती है एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है ठीक है उसको सुरैसिस कहा जाता है ठीक है उसे क्या कहा जाता है सुरेश यहाँ पर रेडनेस जैसा आ जाता है ठीक है यहाँ पर ऐसा लगेगा कि चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं रेड रेड बड़े बड़े बहुत बहुत दूर में पता चला कि ये कमर में हो गया आपके हाथ पूरा हो जाता है कभी कभी किसी के मतलब छाती में पूरा हो जाता है कभी कभी किसी का जांग ले लेता ले था, है थाई वाला पार्ट ले लेता ले है ठीक है तो बहुत दूर तक ये पार्ट इस तरह प्रभावित करता है ठीक है इसे सरोसिस कहा जाता है और इसमें जो ग्रोथिंग सेल होती है वो क्या होती है ज़्यादा हो जाती है ठीक है इस वजह से ऐसा देखा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं वही पॉइंट मैंसन किए गए एक तरह का ये क्रॉनिक डिसऑर्डर या क्रोनिक डिसीजेज़ के अंतर्गत समझें क्योंकि ये लंबे समय तक बीमारी ठीक नहीं होती है क्रोनिक उसे कहते हैं जो क्या है लंबे समय तक बीमारियां चलती हैं तीन महीने के ऊपर छः महीने के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर देखें इज सुरक्षित क्रोनिक ऑटो इम्यून स्किन डिसीज एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज है बीमारी है डेट इस अप द ग्रोथ साइकिल ऑफ द स्किन सेल इसमें होता क्या है ये किस वजह से होता है जब स्किन सेल्स साइकिल ऑफ यहाँ पर क्या होता है ग्रोथ हो जाता ठीक है जो स्किन सेल्स का जो चक्र होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगता और ग्रोथ होने लगता तो वहाँ पर क्या होती है खुजली जैसे लक्षण आ जाते हैं ठीक है खुजली जैसे लगते तो उस पार्ट में पता चला कि हाथ का कुछ पार्ट है यहाँ पर स्पीड अप ऑफ़ दी ग्रोथ ऑफ़ दी स्किन सेल्स यहाँ पर बहुत बढ़ गए ठीक है मतलब जो स्किन सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है और रेडनेस जैसी आने लगती है ठीक है तो ये पता चला कहीं कहीं थोड़े पार्ट में होता है कहीं कहीं पूरा कमर ले लेता है कभी कहीं पूरी जांग ले लेता है कभी आधा पार्ट ले लेता है ठीक है कभी एपडामिन वाला पार्ट ले लेता है हाथ में भी सकता है कहीं पर भी हो सकता है ठीक है कहीं पर भी ये हो सकता है तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि सुरक्षित जो डिसीज होती है किससे संबंधित होती है आप ध्यान रखेंगे स्किन से त्वचा तो अच्छा से संबंधित होती है इतनी बात ये मैचिंग करने के लिए आ चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में ओके okay? और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपकी स्किन पर दूसरा क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे कर्निंग का चिन्ह उपस्थित होता है कर्निंग साइन इज प्रेजेंट इन आपको बताना है किस में देखे जाते हैं कर्निंग साइन या उपस्थित होता है क्या होगा राइट आंसर इसका कमेंट करके बताएं जो भी राइट आंसर आपको लग रहा हो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा मेनन्जाइटिस डिसीजन में ऐसा देखा जाता है ठीक है कर्निंग जो साइन होते हैं कर्निंग के जो सिम्टम्स होते हैं लचड़ होते ये किस में देखे जाते हैं मेनन्जाइटिस में आप इसी तरह याद रखेंगे इसे अब इसके बारे में हम समझते हैं कि कर्निंग होता क्या है ठीक है अब कर्निंग के बारे में समझ ले थोड़ा सा ये लिखा है वन ऑफ द फिजिकली डिमॉन्सट्रेबल सिम्टम्स ऑफ द मेनन्जाइटिस इज ए कर्निंग साइट ये जो सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाला मैनजाइटिस में, में एक साइन होता है उसे कर्निंग साइन कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो दिखाई देता है ठीक है ये कर्निंग साइन होता है सीवियर स्टिफनेस ऑफ द हैम स्टिंग काजिज एंड इन एबलिटी टू स्टेन टू देंथन द लेग्स फी इन दिप्स इज द फ्लैश टू नाइन्टी डिग्री इसका मतलब ये है कि जब भी जिस व्यक्ति को भी ये कर्निंग हो देखा जाता है तो मैनजाइटिस में, में देखा जाता है अब देखें जैसे कि कोई भी बेबी है या बच्चा या कोई भी व्यक्ति है ठीक है कोई भी व्यक्ति है उसे जब ये हो जाएगा क्या नाम कर्निंग वाला डिसीज हो जाएगा उसका जो पता चला कि एक पैर में ये प्रॉब्लम्स कर रहा है तो उसका पैर क्या होगा ये सीधा नहीं होता पूरी तरह से स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम होती ये मान लो कि कोई भी पेशेंट पड़ा हुआ है बच्चा भी हो सकता है एडल्ट भी हो सकता है कोई भी हो सकता है मोस्टली मोस्टली बच्चों में ऐसा देखा जाता है ठीक है तो तो इसका जो ये जो पैर होगा ना ये वाला पैर होगा ये इसी तरह फ्लेक्स्ड रहता ठीक है ये सीधा नहीं होता कि यहाँ इस तरह हो जाए स्ट्रेट हो जाए या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है इसमें पेन होता है दर्द होता ठीक है तो इसी को कर्निंग साइन कहा जाता है नाइन्टी डिग्री पे क्या होता है ये इस तरह है क्या होता ये फ्लेक्स्ड हो जाता है ठीक है आप देख पा रहे होंगे इमेज में इस तरह जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बंदा ये लेटा हुआ है तो उसका जो पैर वाला पैर ये जो पार्ट होता है ठीक है ये इस तरह हो जाता है एक पैर मान लो कि सीधा है एक सीधा लेटा हुआ है और यहाँ से ये नी से इसका पार्ट क्या होता है मुड़ जाता ये नाइन्टी डिग्री का, का काम करता है ठीक है ये मुड़ जाता अगर आपको बात डिग्रियों में समझ में नहीं आती ना तो आप इस तरह समझेंगे इसे जैसे कि कोई भी एक सीधी लाइन होती है कोई भी सीधी एक रेखा होती है ठीक है तो इसमें एक डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर ठीक है नब्बे ये होता है नब्बे ये होता ठीक है एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल होता है अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये नाइन्टी डिग्री पे रेफ्लेक्स्ड हो जाता तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन ऐसे गई और ऐसे चली गई तो ये देखिए जो एंगल बना ना ये नब्बे का होगा या आप यहाँ से नब्बे देख लेंगे क्योंकि ऐसे गई अगर ये पूरी सीधी चली जाती जैसे कि ये पैर लेटा हुआ एक पैर लेटा हुआ है तो इसका मतलब इस पैर पर जो एंगल होगा वो एक 180 का होगा ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको शायद डिग्रियों में ना पता हो इसलिए मैंने बताया कि अगर मान लो कि पैर सीधा इस तरह ठीक है अगर कोई पूछे एक सीधे पैर पे एक सीधी रेखा पे या सीधी एक कोई लाठी हो उसमें कितने डिग्री का एंगल होगा तो आप कहेंगे एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर एंगल लिखा जाता है इस जगह ठीक है अगर इसी का हाफ कर दिया जाए मान लो किसी ये मान लो कि कोई भी पार्ट है बॉडी का पार्ट इसे हाफ़ कर दिया जाए ठीक है तो ये नाइन्टी हो जाएगा ये नाइन्टी हो जाएगा जैसे कि मान लो हाथ का कोहही है ठीक है ये मान लो कि हाथ का सीधा हाथ है अगर हाथ को हमने क्या किया यहाँ से ऊपर की ओर आधा उठा दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ये बात समझाने के लिए था कि अंदर आपके अंदर एक समझ स्थापित हो जाए ठीक है कि 90 क्या होता कैसे क्या किया जाता ठीक है तो कर्निंग के जो लक्षण दिखाई देते आप इतनी बात ध्यान रखेंगे मेन में दिखाई देते मतलब क्या होता है इसमें काम क्या होता इसमें जो विकार आ जाता है वो जो बोन्स होती जो बोन्स होती इसमें पेन होता और ये 90 डिग्री पे फ्लैक्स्ड हो जाता इस तरह हो जाता मान लो ये पैर हमने बना दिया ठीक है ये पेशेंट लेटा हुआ है ठीक है उसका जो पैर होता वो इस तरह फ्लैक्स्ड हो जाएगा 90 डिग्री पे पैर सीधे नहीं होते आप सीधी सीधी बात ध्यान रखेंगे ओके पैर सीधे नहीं होते यहाँ पर देख सकते वही बात मेंशन की गई जो मैंने आपको बताया सीवियर स्टिफनेस इसका मतलब होता है पैर बहुत कड़े हो जाते हैं पैरी का मतलब नहीं ने, नेक में भी प्रॉब्लम्स होती नीचे पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में ठीक है तो सीवियर स्टिफनेस बहुत कड़ापन आ जाता है ये लिखा है ऑफ दी हैम स्टिंग्स ठीक है हेम स्टिंग का मतलब होता है जो नी होता है ठीक है जहाँ से पैर ये मुड़ जाता है इधर इसके जो ऊपर की मसल्स होती ना ये वाली बहुत टाइट हो जाती ये वाली मसल्स क्या होती मसल्स कहेंगे यहाँ पर वेन पाई जाती फाइव वेन्स पाई जाती ये क्या होती बहुत टाइट हो जाती ठीक है बहुत कड़ी हो जाती जब कड़ी हो जाएंगी तो इसे जब सीधा किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा बहुत ज़्यादा पेन होगा तो इसमें कहा जाता है इसमें सीवियर पेन होता है या जॉइंट पेन भी होता है यहाँ पर ठीक है क्योंकि ये ऊपर की मसल्स क्या होती बहुत टाइट हो जाती यही मतलब होता है सीवियर स्टिफनेस ऑफ दी हैमस्ट्रिंग ओके यहाँ पर जो फाइव मसल्स या जो वेन वगैरह पाई जाती बहुत टाइट हो जाती ठीक है मोटी मोटी बात ध्यान रखेंगे आप मैनजाइटिस में क्या होता कर्निंग साइन देखे जाते हैं इसका मतलब जो जो, जो पैर होते हैं वो क्या होते स्ट्रेट नहीं होते सीधे नहीं होते नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में ये भी पूछा गया पॉइंट है ये लिखा है ब्रूज जिंक्सकी क्या लिखा है ब्रूड जिंक्सकी ठीक है इज आल्सो सीन द मैनजाइटिस ये भी कहाँ देखा जाता है ये भी मेनन्जाइटिस डिसीजन में देखा जाता है इसमें क्या होता है सीवियर नेक स्टिफनेस काजेस ठीक है इसमें जैसे कि ऊपर जो बात कर रहे थे ना कर्निंग साइन में वो पैर में होता और ये कहाँ पर होता है ये लिखा है ब्रुड ब्रुड जिन्स की ये लिखा है ब्रुड जिन्स की ठीक है ये नेक जो होती ना गर्दन ये इस तरह फ्लैक्सड हो जाती इस तरह ऊपर की ओर इस तरह फ्लैक्ड हो जाती ठीक है ये मान लो कि कोई पेशेंट लेटा हुआ इसके ये नेक क्या होती बहुत ज़्यादा फ्लैक्सड हो जाती और पैर इस तरह हो जाते इस तरह ठीक है ऐसे ठीक है इस तरह हो जाते थोड़े जैसे कि कोई लोग सिकोर्ड नहीं लेते ऊपर की ओर ये ये दोनों ये दोनों पार्ट फ्लैक्सड हो जाते तो इसको हम इसी तरह समझेंगे कि अगर नेक लिख के आएगा एग्जाम्स में कि आ, कौन से डिसीजन में या ब्रुंज ब्रुट क्या होता है तो आप ध्यान रखें इसमें जो नेक वाला पार्ट होता है नेक होता है गर्दन वाला ये बहुत स्टिफ हो जाता है स्टिफ मतलब होता है कड़ा हो जाता टाइट हो जाता ठीक है ताकि जो बंदा होता है कोई भी बंदा बंदी होता जो भी पेशेंट होता है वो सीधे नहीं लेट पाएगा ठीक है उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है जॉइंट पेन होता और भी मसल्स पेन होता क्वेश्चन नंबर आप थ्री पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे क्या है राइट आंसर उम्मीद करता हूँ समझे होंगे जो भी पॉइंट बताए गए आपको क्वेश्चन नंबर थ्री पे पूछा गया है पगेट रोग है एक है कैसा रोग है आपको बताना है पगेट्स डिसीज इजा कहाँ का रोग है भाई बताएं जल्दी से जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बता सकते हैं ऑप्शन एस का राइट आंसर होगा क्या बोन डिसऑर्डर है कैसा ऑर्डर है बोन डिसऑर्डर है हड्डी संबंधी अस्थि संबंधी विकार है पगेट ठीक है अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा जैसा कि क्वेश्चन लिखा है आप सेम टू सेम याद कर लेंगे लेकिन आपको डिटेल्स आनी चाहिए क्योंकि पेपर अब ज़्यादा सिंपल नहीं आते ठीक है क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है ठीक है बेरोजगारी का आलम इतना हो गया है कोरोना की वजह से कि कंपटीशन की भी जो हदें हैं वो भी पार कर रहा है ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा जो कल का पेपर हुआ है कितना टफ हुआ है सेकेंड और थर्ड मीटिंग का ठीक है बहरहाल उन्होंने उन्हें ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए ठीक है उन्हें ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए जिस जिस तरह उन्होंने पेपर बनाया आज तक ऐसा नहीं है किसी स्टेट में ऐसा पेपर नहीं हुआ जैसा कि इस बार इन्होंने यू पी एन एच एम का पेपर बनाया दस तारीख वाला ठीक है लास्ट मीटिंग के जो पेपर बनाए इन्होंने यू पी एन एच एम के उन्हें ऐसा नहीं बनाना चाहिए पेपर ठीक है लेकिन अब उनकी मर्जी वो किस हिसाब से बनाते हैं लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पहली बात तो मैथ का उन्होंने सिलेबस ही नहीं दिया था कि दो चार क्वेश्चन उन्होंने दो दो चार किसी में चार किसी में तीन किसी में पाँच मतलब पाँच के नीचे ही दो चार पाँच मैथ के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे थे ठीक है तो उन्होंने अभी तक ये सिलेबस ही नहीं दिया अपडेट ही नहीं किया और जो साइड में उन्होंने दिया था सिलेबस ना जो सिलेबस दिया था आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया था ठीक है मोस्टली मोस्टली सत्तर क्वेश्चन तो उनके ठीक थे नर्सिंग के ठीक है लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि उन्होंने मैथ इंक्लूड कर दी किसी में तीन नंबर की किसी में चार नंबर की किसी में पाँच नंबर की इस हिसाब से उन्होंने इंक्लूड किया था ठीक है तो बहरहाल ये उनके नहीं करना चाहिए था इस तरह के ठीक है उन्होंने ये इस तरह का डाटा नहीं दिया था और इंटरनेशनल उन्होंने कुछ करंट अफेयर भी पूछी इंटरनेशनल ठीक है इंटरनेशनल करंट अफेयर उनके टॉपिक में नहीं था उनके टॉपिक में इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं था ये पीसीएस के टॉपिक में इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है ठीक है ये बात भी ध्यान रखना ये पी के उसमें होता है उन्होंने कुछ 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 पॉइंट जो कल वाला हुआ ना थर्ड सेकेंड का लोग कहते हैं कि टफ हुआ है पेपर काफ़ी ज़्यादा ठीक है तो उनको भी नार्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा ऐसी बात नहीं है ठीक है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ही घबराए नहीं कोई भी व्यक्ति और जिनके आगे एग्जाम से आगे तैयारी करें अब क्या बताएं उन्होंने ऐसा पेपर बनाया बहरहल और आउट ऑफ सिलेबस भी बनाया था काफ़ी ज़्यादा ठीक है बहरल उन्हें इस तरह नहीं बनाना चाहिए था यह तो पहले से अवगत करा देते कि किस तरह पेपर बनाया जाएगा यहाँ पर देखें पॉजिट डिसीज के बारे में एक प्रकार का ये क्रोनिक बोन डिसऑर्डर इट इज कॉल डी ये लिखे ऑस्टिटाइटिस ठीक है सॉरी ऑस्टिटिस ठीक है डिफॉर्म्स डिफॉर्मेंस ये इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जो ब्रैकेट में लिखा है आप इसी तरह लिख लेंगे ऑस्टिटिस ठीक है डिफॉर्मेंस का मतलब वही होता है कि विकार हो जाता है ठीक है तो पजेट जो पगेट सॉरी डिसीज होती ये एक तरह से हड्डी से संबंधित डिसऑर्डर है बोर्ड डिसऑर्डर है हड्डी विकार कहेंगे या अस्थि विकार कहेंगे ये लिखा है पजेट डिसीज इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बोन डिसीज आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस के बाद ये सेकेंड नंबर का हड्डी विकार या अस्थविकार समझा जाता है इट इज द डिसऑर्डर ऑफ द बोन रिमोल्डिंग प्रोसेस इन विच द बॉडी एब्जॉर्व ओल्ड बोन्स एंड फॉर्म द अब न्यू बोन इसका मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं पजेट डिसीज में होता क्या है मेनली ये बात समझ लेते हैं ठीक है अस्थि संबंधित विकार है लेकिन किस तरह क्या होता इसमें जो ओल्ड बोन होती मान लो कि कोई भी ओल्ड बोन है ओल्ड बोन है तो जैसे कि कोई मान लो न्यू बोन का फार्मेशन हो रहा है ठीक है मान लो कि ये ओल्ड बोन है ये ओल्ड वाली बोन है न्यू बोन का फार्मेशन हो रहा है तो ये इसमें जाके मिल जाती है या इसके साथ जुड़ जाती या इसके साथ फॉर्म्ड हो जाती जब ये इसके साथ फॉर्म जुड़ जाती तो इसमें पता चला पैर की है तो पैर टेढ़ा हो जाता हाथ की है तो हाथ टेढ़ा हो जाता कोई भी पुरानी हड्डी नई हड्डी में मिल जाती या फॉर्म मतलब जुड़ जाती या किसी भी तरह लिंक टूट जाती ठीक है हो सकता है या रीढ़ में भी मिल जाए तो पता चला कुछ पार्ट हड्डी का पुरानी हड्डी का छोटा पार्ट था वो इसमें जुड़ गया पता चला ये को खिंचाव करने लगा तो पता चला कूबड़ निकल आया कोई भी अदर हो है मतलब इधर उधर भी हो सकता है बॉडी का मतलब डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो सकता है बोन हाथ में भी हो सकता है पैर में भी हो सकता है जान में भी हो सकता है नी वाले पार्ट में भी हो सकता है आपके ठीक है तो पुरानी हड्डी नई हड्डी से जब जुड़ जाती है बोन्स क्या होती है मिल जाती है रिमोल्ड ये लिखा है रिमोडलिंग हो जाता ये लिखा है बोन uh, का रिमोडलिंग होता है जैसा कि मॉडल दिया गया उस तरह से नहीं होता रिमॉडलिंग कर देता है इन विच द बॉडी एब्जॉर्ब द बोन इसमें क्या करता है ओल्ड बोन को एब्जॉर्ड कर लेता और न्यू वाला न्यू न्यू के साथ एक एबनॉर्मल फॉर्म बन जाता है न्यू बॉडी का एब्नॉर्मल का मतलब जैसे कि नॉर्मल बोन इस तरह होगी मान लो कि नॉर्मल बोन ये है तो अब नॉर्मल में क्या हो गया जब पुरानी वाली मान लो पुरानी वाली यहाँ से जुड़ गई या यहाँ से तो ये इधर को इसको घुमा ले जाएगी ठीक है तो इस तरह हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती है ठीक है ऑस्टियोप्रेसिस के बाद ये दूसरे नंबर का हड्डी संबंधी विकार है कौन सा पगेट डिसीज ओके दूसरा नाम ये मैंशन किया गया आप पढ़ लें ऑस्टेटिस डिफार्मेंस ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ें फिर आंसर बताएं कोशिका के आकार में सिकुड़ सॉरी कोशिका कोशिका का जो आकार होता है उसके सिकुड़ने को क्या कहते हैं श्रिंकेज इन साइज ऑफ सेल इज ऑल्सो एज क्या है राइट आंसर कमेंट करें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी इसका जो राइट आंसर है एट्रोफी होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कोशिका के आकार में सिकुड़ने को या सिकुड़न को क्या कहते हैं एट्रोफी के नाम से जाना जाता है इसमें क्या होता है कुछ पॉइंट लिखे गए समझ लें एट्रोफी इज द प्रोग्रेसिव यह लिखा है डी जनरेशन और द्रिंकेज ऑफ देश नफ्स टिश्यू इसमें नफ्स टिश्यू या मसल्स क्या होते हैं सिकुड़ जाते हैं ठीक है सिकुड़ जाते हैं ठीक है, है। इसमें पेन भी होता है एट्रोफी में थोड़ा बहुत पेन कैसे होता है अब हम आपको बता दें कोई भी व्यक्ति मोटा व्यक्ति है ठीक है कोई व्यक्ति बहुत फेव... फैटी व्यक्ति है और ये जिम करने चला गया ठीक है इसके जो बाइसेप ट्राइसेप होते पहले तो मान लो फैले हुए होंगे पहले तो फैले हुए होंगे ठीक है और जब ये बताना जिम करने लगा तो इसके टाइट होने लगे ये इसे ट्रॉफ़ी कहेंगे ये भी एक ट्रॉफिक फॉर्म में आता है ये टाइट होने लगे मान लो कोई बंदा कभी रेस ना करता और वो फिर रेस करने लगा डेली करने लगा तो नीचे के जो ये नी के नीचे वाला जो मसल्स होते हैं ना पीछे वाला बैक मसल्स ठीक है जस्ट टसल्स के जो ऊपर होते हैं ठीक है टसल के तो ये क्या होते हैं टाइट होने लगते हैं टाइट होने, होने के मतलब पहले फूले हुए थे या थोड़ा उसमें थोड़ा सा लिक्विड वगैरह और था अब ये टाइट होने लगे अंदर की ओर ठीक है और कस गए तो इसे ट्रॉफ़ी कहेंगे ठीक है मसल्स ये ना या नफ टेस्टिंग क्या होंगे सिकुड़ जाएंगे तो आपको केवल सीधी सीधी बात याद रखेंगे कोई भी सेल्स होगी कोई भी नफ सेल्स होगी कोई भी मसल्स होगी जब वो सिकुड़ जाएगी ठीक है सिकुड़ जाएगी मान लो कि एक बंदे का ये हाथ है ठीक है और उसके ये ट्राइसेप बाइसेप ट्राइसेप इस तरह बने होते हैं ठीक है तो मान लो ये हाथ है और ये सिकुड़ के पिचक गए ठीक है तो इसको कहेंगे ट्रॉफी ठीक है ये वाला काम ख़त्म कर दो नीचे वाला आ जाएगा ये ट्रॉफी कहलाएगा सेल्स के आकार में चेंजमेंट का मतलब डिक्रीज हो जाएगा साइज में अपनी डिक्रीज कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा लेसिन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर आप फाइव पढ़ें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ें फिर आंसर बताएं वीर में सामान्य शुक्राणुओं की संख्या लगभग होती है आपको बताना है कितनी होती है नॉर्मल इस पर काउंट इन इज कॉल्ड क्या होगा राइट आंसर इसका अप्रोप्रिएट आंसर बताने की कोशिश करें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा बीस मिलियन पर एम होती कितनी होती बीस मिलियन ट्वेंटी मिलियन पर एम होती अब ये जो वीर जिसे कहा जाता है जिसे इसे हिंदी में स्पर्म कहा जाता है ठीक है इसमें सॉरी स्पर्म को सुक्राण कहा जाता है वीर को सीमेन कहा जाता है ये बात ध्यान रखेंगे आप हिंदी इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो आप लिख लें ये पॉइंट क्योंकि काफ़ी वैसे पॉइंट हैं तो आपको इन्होंने बताते हैं डिफरेंस क्या होता है ठीक है स्पर्म का मतलब होता है सुक्राणु और वीर का मतलब होता है सीमेन अब सीमेन और सुक्राण में अंतर क्या होता पहले यह बात समझ लो देखिए सीमेन उसे कहते जिसमें स्पर्म पाए जाते सीमेन एक तरह का लिक्विड होता ये इजैकुलेट होता ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ ये आप समझ सकते इंटरकोर्स के दौरान ये रिलीज होता ठीक है तो आ, ये जो लिक्विड होता ठीक है ये जो लिक्विड होता इसे सीमेन कहेंगे इसके अंदर या जिसके माध्यम से स्पर्म बाइविजाइनल यूट्रस में जाते या फेलपियन ट्यूब में जाते ठीक है उसे उसे सीमेन कहेंगे जो लिक्विड होता है और इसमें जो छोटे छोटे ये टेल के रूप में होते हैं ठीक है सेल्स की तरह होते ठीक है गमेंट्स की तरह होते ठीक है इनको इस परम कहा जाता है ये अंदर में जो होते ये स्पर्म है और ये इसके पूरे उसमें लिक्विड में होते और इस लिक्विड को कहा कहा जाता इस लिक्विड को सीमेंट कहा जाता समझ रहे हो इस लिक्विड को सीमेंट कहा जाता तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सीमेंट क्या होता है सीमेंट ये पूरा पार्ट ठीक है जिसमें ये स्पर्म पाए जाते हैं स्पर्म क्या होता है ये सेल्स की तरह होते जो अंदर जाके फर्टिलाइज़ करते ठीक है अंदर जाके फर्टिलाइज करते सीमेन का काम नहीं होता सीमेन एक तरह का जल समझो द्रव समझो लिक्विड समझो ठीक है और इसमें जो स्पर्म होते ये फर्टिलाइजेशन करते जाके फैलोफियन ट्यूब के एम्पुला में ओके तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इसमें जो स्पर्म की जो सामानता संख्या होती है एक एम में एक एम में जो इस पर सामान्यता संख्या होती है वो पंद्रह से बीस मिलियन होती है कितना होती है पंद्रह से बीस मिलियन मोर देन फिफ्टीन मिलियन सी कहेंगे तो लगभग में हम बात करते हैं तो ट्वेंटी मिलियन आ जाता कई जगह कई कई ज़्यादा 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 डाटा लिया जाता है लेकिन ये अप्रोप्रिएट है बीस मिलियन पंद्रह से बीस मिलियन राइट आंसर होता है ठीक है पंद्रह मिलियन से ज़्यादा ही इस पर पाए जाते हैं एक एम के सीमेंट में ठीक है एक एम में ठीक है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अब कुछ पॉइंट लिखे गए इन्हें समझें आप यहाँ पर मेंशन किया गया नॉर्मल स्पर्म काउंट इज अबाउट डी ये मैंने लिखा है डाटा 15 20 मिलियंस पर इस्पर पर मिली लीटर्स ऑफ सीमेंट और मोर ठीक है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 15 से 20 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं एक एम उसमें सीमेंट में एक एम एल में एक एम जो लिक्विड होगा उसमें जो स्पर्म की संख्या होगी कितनी होगी वो होती है पंद्रह से बीस मिलियन ठीक है इतना पाया जाता है एक उसमें समझ रहे हो अब यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द नॉर्मल वैल्यूम वेरीज़ फ्राम वन पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट जीरो मिलियन पर एजाकुलेशन इसका मतलब ये है कि अगर सीमेंट की बात की जाए प्रत्येक एजाकुलेशन में लगभग कितना निकलता कितना डिस्चार्ज होता ठीक है तो बात करते हैं डेढ़ से सात एम के बीच में होता कितना होता डेढ़ से सात एम के बीच में कभी कभी वन पॉइंट फाइव से ये फाइव पॉइंट जीरो मतलब डेढ़ से पाँच लिखा जाता है जीरो का को को कोई मतलब नहीं लिखने का तरीका है एक तरह का ठीक है तो वन पॉइंट फाइव से ये पाँच लिखा जाता है कितना पाँच लिखा जाता है ठीक है तो ये डेढ़ से पाँच एम होता डेढ़ से पाँच एम होता कितना डेढ़ से पाँच एम लेकिन आप ये रेंज ध्यान रखेंगे डेढ़ से सात डेढ़ से सात ध्यान रखेंगे 1.5 टू सेवन पॉइंट जीरो ठीक है ये रहेगा सीमेन इतनी सीमेन की मात्रा ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्चार्ज ठीक है बाय द पेनिस ये बात आप ध्यान रखेंगे समझ गए होंगे जो बात बोली तो इतना इजाकुलेट होता है इतना निकलता है लगभग में कभी पाँच कभी तीन कभी चार कभी मतलब इसी के अंदर में रहेगा ओके समझ गए होंगे आप लोग और जान गए होंगे सीमेन भी क्या होता है इस पर भी क्या क्या होता है ठीक है आज के बाद कोई भी आपके डाउट नहीं रहे होंगे सीमेन से रिलेटेड और इस परम से रिलेटेड क्या क्या होता है ठीक है कितना क्या किसकी क्वान्टिटी पाई जाती है इस पर में कितने पाए जाते जान गए होंगे बहुत अच्छे से आप ठीक है पंद्रह से बीस मिलियन ये इस पर में की संख्या है एक एम एल सीमेन में पाया जाता है ठीक है पर एम एल में और कितना मतलब टोटल डिस्चार्ज होता है लगभग में पर एजुलेशन इजाकुलेशन मतलब होता है डिस्चार्जिंग ठीक है या निकलना उसे कहा जाता है एजोकुलेट होने में ठीक है तो ये वन पॉइंट फाइव से सेवन एम एल होता है ठीक है सेमल होता पर एजेकुलेशन उम्मीद करता हूँ समझे होंगे सारी बातें ओके और हाँ यार जो पेपर आया ना तुम लोगों का वो बहुत ही टफ़ आया था सुनने को मिला था दस का जो पेपर आया सेकेंड मीटिंग का और थर्ड मीटिंग का ठीक है अब इसमें कर भी क्या सकते हो क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा सिलेबस दिया था जो आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ सिलेबस था जो मतलब पढ़ाया भी नहीं गया था कई जगह और कोशिश करता है अरे बंदा कि बाकी इसके जो पहले के पेपर हो जाते हैं निका नर्सिंग नर्सिंग पूरा पूरा कंप्लीट फंसता है ठीक है नर्सिंग पूरा कंप्लीट फंसा जितने सत्तर नंबर के क्वेश्चन आते हैं ठीक है वो कंप्लीट फंसे लेकिन जो आप लोगों का पेपर हुआ जिन लोगों का या किस्मत उनकी अच्छी नहीं थी जिनका दस तारीख को पेपर हुआ ठीक है दस को पेपर हुआ और सेकेंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग ठीक है इनका पेपर कुछ ज़्यादा तप गया लेकिन बहरहाल टेंशन ना ले इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ठीक है पंद्रह नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन भी होता है पंद्रह से अठारह नंबर तक का भी हो जाता है ठीक है तो घबराए नहीं फिर भी जितना किया अच्छी बात है और बहरल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और फ़र्स्ट टाइम मेन बात है आप लोगों ने यह सी पेपर भी दिया होगा एग्जाम्स भी ठीक है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आपके लिए कि सी आपने पहली बार पेपर भी दिया और उन्होंने वो सिलेबस भी उस तरह से ना पूछा जिस तरह से वो हमेशा पूछते थे ठीक है तो अब आगे आप अवेयर रहेंगे और जिनका एग्ज़ाम से यू पी नर्सिंग का वो लोग उसकी तैयारी करेंगे बहरहाल अब यू का जो सिलेबस होता सेम टू सेम होता वो ठोक बजा के उतना ही देते हैं ठीक है हिम्मत है तो करके दिखाओ और नौकरी ले जाओ उनकी ठीक है ये थोड़ा एन वाले जो होते ना यही थोड़ा बदलाव करते यही इधर उधर करते हमेशा जब भी करते कभी कुछ करा देते कभी कुछ करा देते कभी पेपर आउट करा देते कभी पेपर ही ना कराते कभी रिजल्ट ही ना देते कभी ज्वाइनिंग ही नहीं कराते लेकिन जो पी का होगा पेपर ठीक है पी का जो पेपर होगा ये फ्राम टाइम टू टाइम हो जाता है ठीक है समय से समय तक ये अपना कंप्लीट कर देते जैसा सिलेबस देंगे अगर इन्होंने जैसा कि सिलेबस है बीस क्वेश्चन अगर हिंदी के हैं तो इनके बीस क्वेश्चन हिंदी के आएंगे ठीक है इनके तीस क्वेश्चन जी के और करंट अफेयर के तो तीस क्वेश्चन आएंगे ठीक है इससे ज़्यादा ये लोग नहीं देते एक क्वेश्चन आपके नर्सिंग से बायोलॉजी से साइंस से रिलेटेड है ये बायोलॉजी और नर्सिंग ठीक है इसी में इंक्लूड किए जाते तो ये इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ठीक है तो इनका सिलेबस जैसा का तैसा रहता है जो लोग तैयारी करेंगे वो अच्छे से करें तैयारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा पेपर फंसे यहाँ से ठीक है पूरी कोशिश रहेगी मोस्टली मोस्टली लोगों की इस बार काफी सिलेक्शन होंगे ठीक है पीसीएस में थैंक यू चलता हूँ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड